नहीं देखना। So we have a patient here. She came to us with a circumference of broad nasal base, broad dorsum, and a bulbous tip, as you see here. So we are planning to do a septorhinoplasty. We are going to harvest a rib, and we'll be addressing. We are going to reduce this radix and make it narrow. We'll be addressing the alar base, and you'll be addressing the tip, which will make it give her more little bit sharp, defined tip. And the radix. So it's going to be a septorhinoplasty with a rib graft. Seven. So that's a before now that you see. Before we did a rhinoplasty, you can see the amount of the width in this nose. You can see it was flat. Patient desired to have it slimmer, reduce the width of the nose, and that's exactly what we've done. We've made that nose slimmer, taller. Tip has been refined, as you can see now. One more time, that's the before. And we've had to harvest rib. It was an open structure rhinoplasty. Osteotomies were done, septal extension graft, rim grafts, tip grafts, marginal rim grafts, and also patent graft. And this is the immediate result, apart from dorsal graft too. एक मिनट बस। नहीं देखना, पकड़ो। कैसा लग रहा है? लग रहा है कम ज्यादा नहीं है, यही मैं बार-बार देख रही। नहीं नहीं सही है, ये कम हो गया, ये ज्यादा नहीं, सही है। देखो अगर आप नीचे से भी देखेंगे तो एकदम सही है, बस इन्हें शेप अब स्वेलिंग भी है ना आगे से, सही रहेगा, सही है। और साइड भी देखिए आप, ऐसा व्यू, थ्री क्वार्टर व्यू ऐसे देखिए। ये देखो पहला जो कॉन्टूर था ना, अभी ये भी काफ़ी टाइट हुआ है यहाँ पे भी, बिकॉज यहाँ से टाइट किया है। और ये जो नोज़ का लेंथ है पहले से बेटर है, ये देखो कैसे ऊपर जा रहा था। और आप ये देखो सूजन है, आप अंदर देखो मिरर में, ये सूजन है, ठीक है। जहाँ पे स्प्लिंट लगाया था वहाँ पे सूजन कम है। क्यों है ऐसा? क्योंकि आपको ऑगमेंटेटिव राइनोप्लास्टी किया है। ऑगमेंटेटिव राइनोप्लास्टी मतलब इसको साइज को बढ़ाया है रिब निकाल के, रिब को शेप करके। तो क्या है, सूजन ऊपर अभी भी है, यहाँ पे भी सूजन इस प्रकार का है। ये सब सही होने के लिए और 3-4 वीक्स लगेगा मिनिमम, आपको काफ़ी केयर रहना है। साइड में देखिए और अच्छा लग रहा है ये व्यू। नहीं परफेक्ट लग रहा है, देखो ऐसा था पहले। देखो जो नोस पहले था आपको वो भी देखना है क्योंकि इसी को चेंज किया है ना।
तो ये देखो अभी इसमें जो है, ये देखो एंगल बेटर है, ये देखो कैसा एंगल ऊपर जा रहा था, ये टेक ऑफ कर रहा था ऐसा ही। आप सीधा जाइए, यहाँ पे स्वेलिंग लग रहा है, नहीं वो सही हो जाएगा, बस स्वेलिंग का है ना बस। देखो ये दब स्वेलिंग है ऐसा, और इनको टाइम लगेगा पूरा, हाँ वन मंथ मिनिमम लग ही जाएगा। और आपको दर्द है जहाँ से रिब निकाला था, वहाँ पेन है ज़्यादा, अभी भी पेन है, कितना दिन पेन था? हाँ, और ज्यादा पेन था कि कम कम पेन था? एक बार पेन था बहुत ज्यादा, हाँ खड़ी नहीं हो पाई थी। अच्छा, अभी ठीक। अगर आप हैंड्स मूव करेंगे तो दर्द होता है? हाँ, लिफ्ट करते समय थोड़ा दर्द होता है। और वहाँ की स्टिचेस निकाल दिए अभी तक? ठीक है, तो उसके लिए भी दवा देंगे, थोड़ा टाइम और लग सकता है। कोई पेशेंट्स को 3-4 दिन में पेन खत्म हो जाता है, किसी किसी को मसल्स को भी कट किया रहता है, इसीलिए सही हो जाएगा, नथिंग टू वरी। ठीक है, डिसेंचर वी हैव गिवन एवरीथिंग ना, टैबलेट्स, वी क्लीन अप ऑल ऑफ दिस।